टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त दिनेश। फ्रेंड्स, HMD ग्लोबल यानी कि नोकिया ने अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है नोकिया 105। तो आइए हम जानते हैं कि ये कितने प्राइस में लॉन्च हुआ है, कैसा है ये फोन और आप इसे ले सकते हैं यानी ये भी आप जान पाएंगे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर। तो पूरा अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, HMD ग्लोबल ने नोकिया 105 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। पहला जो वेरिएंट है वो है सिंगल सिम का और दूसरा जो है वो डुअल सिम का है। सिंगल सिम का प्राइस अलग है, उसका प्राइस रखा गया है 999 रुपए और डुअल सिम का प्राइस है 1149 रुपए। तो ये दो प्राइस में दो अलग अलग फोन आप खरीद सकते हैं। बात करें अगर कलर की तो ये तीन कलर रेंज में आ रहा है, पहला है व्हाइट, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है ब्लू। तो ये तीन कलर वेरिएंट में आप खरीद सकते हैं। इसका जो मैं डिजाइन की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ मैटिक फिनिश के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो फोन है आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। यहाँ पे आपको मिलता है 1.8 इंच का QVGA डिस्प्ले, साथ साथ 800 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी भी देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको टॉर्च देखने को मिलेगा, माइक्रो USB कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा जिससे चार्ज कर पाएंगे आप, साथ साथ यहाँ पे FM रेडियो भी है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स स्नैक वाला गेम जो पुराने नोकिया में हुआ करता था। और यहाँ पे जो दिया गया है नोकिया सीरीज का 30 प्लस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये फोन जो है रन करता है। यहाँ पे आपको 500 मैसेजेस जो है स्टोर कर सकता है ये फोन, और साथ साथ ये 2000 कॉन्टेक्ट सेव कर सकता है अपने अंदर। और यहाँ पे 4 MB का आपको रोम यानी कि इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यही सब चीजें इस फोन में दी गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फोन कैसा है फ्रेंड्स। अगर आपको फीचर फोन खरीदना है, नोकिया जैसा ब्रांड आपको चाहिए 999 रुपए में, अगर आपको सिंगल सिम खरीदना है तो 999 लगाना पड़ेगा या फिर 1149 रुपए, तो ये दो वेरिएंट में आप खरीद सकते हैं इस फोन को। बहुत अच्छा फोन है, मेरे हिसाब से ये फोन बहुत ही अच्छा है अगर कोई यूजर सिंपल फोन खरीदना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका क्या मानना है इस फोन के बारे में, क्या आप इस फोन को लेंगे? अगर सिंगल सिम या फिर फीचर फोन आपको लेना है तो आप ये फोन लेंगे? प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। चलता हूँ इस वीडियो को, अगर पसंद हुआ तो लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।